अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज द नॉलेज आपके लिए लेके आया है एक ऐसे एडवेंचर की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट को सर करने की शुरुआत 1921 से ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किल और खतरनाक हालातों से गुजरना होता था, क्योंकि 29,028 फीट की इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारे लोगों का शव तो आज भी उस बर्फीली चट्टानों के भीतर दबा पड़ा है, जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन फिर भी साहस के सूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वो एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का लगातार प्रयत्न करते रहे। इन कई सारे साहस वीरों में से ही एक थे नेपाल के शेरपा तेनसिंह। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेनसिंह के दिमाग पर एवरेस्ट को सर करने का जुनून सवार था। तब स्विट्जरलैंड के रेमन लैम्बर्ट और शेरपा तेनसिंह ने एवरेस्ट को सर करने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो उसमें निष्फल साबित हुए थे। 1952 में तेनसिंह और रेमंड लगभग पूरे एवरेस्ट पहाड़ को चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फुट की दूरी से ही वापस आना पड़ा। मंजिल से इतने करीब होकर भी वापस आ जाने का दुख उन दोनों को था, लेकिन तेनसिंह ने हार नहीं मानी। फिर से एक साल बाद सन 1953 में तेनसिंह 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल गए। तेनसिंह और एडमंड हेनरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, हिम नदी, कभी भी टूट पड़ने वाली शिलाएं और बर्फीली खाइयों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपनी मंजिल के करीब बढ़ते रहे। लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेनरी ने डाइव लगाई, लेकिन उनके भार के कारण बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और वो हमेशा के लिए उसमें दबने ही वाले थे कि पीछे से समय रहते तेनसिंह ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने उसे पकड़कर अपने प्राण बचा लिए। अगर तेनसिंह ने वो रस्सी ना फेंकी होती तो हेनरी उस वक्त अपने जीवन से हाथ धो बैठते। खैर, एडमंड हेनरी और तेनसिंह की टीम धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी से नजदीक आते रहे। उनसे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाली चार्ल्स इवान की 9 सभ्यों की एक टीम थी जो तेनसिंह की टीम से पहले एवरेस्ट को चढ़ने वाली थी। अगर किसी कारण इवान्स की टीम एवरेस्ट में चढ़ने को निष्फल हो या चढ़कर वापस आ जाए, उसके बाद ही तेनसिंह की टीम को आगे बढ़ना था। हेनरी और तेनसिंह की टीम ने लगभग आधे से ऊपर एवरेस्ट को सर कर लिया था। एवरेस्ट की चोटी से पहले आने वाली ये आखिरी छोर सबसे खतरनाक माना जाता है, जहां पर पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने आखिर में अपनी जान गंवाई है। एक तरफ इवान्स की टीम इनसे पहले आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से वो लोग सिर्फ 300 फुट की दूरी पर थे, लेकिन इवान्स और उनके साथी बहुत थक चुके थे। उनके शरीर ने जवाब दे दिया था, उनमें अब एक कदम भी आगे बढ़ाने का हौसला नहीं था और वो चोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी पर वापस लौट गए। यहां पर इतिहास किसी और के नाम पे ही लिखा जाने वाला था। इवान्स की टीम के पीछे लौटते ही अब तेनसिंह और हेलरी की टीम को आगे बढ़ना था। रात में सोने के बाद सुबह तेनसिंह और उनकी टीम ने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। तापमान -27 डिग्री सेल्सियस था, परिस्थिति बहुत कठिन थी, फिर भी इन साहसिकों ने हिम्मत नहीं हारी। वो कुदरत और अपने शरीर की कठिनाइयों का सामना करते करते एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते गए और सुबह के 9 बजे वो लोग दक्षिण शिखर तक पहुंचे। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और अब उनके पास उतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वो इस पूरे अभियान को ठीक से खत्म कर सके। तेनसिंह की गति धीमी हो रही थी, उनके पांव धीरे धीरे भारी हो रहे थे, कुछ यही हाल हेलरी का भी था। हेलरी ने तेनसिंह की तरफ देखा, उनको कुछ समय के लिए रोका और उनके ऑक्सीजन की नली को साफ किया, क्योंकि उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो लोग एक के बाद एक ऐसी आने वाली कठिनाइयों को मार देते रहे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी तक बढ़ाते रहे और आखिर में 29 मई 1953 के दिन शेरपा तेनसिंह और हेलरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया।
जब वो सुबह के 11:30 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 29,028 फीट यानी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे, तब उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। ये एवरेस्ट की चोटी के कुछ रियल वीडियोस हैं, जो किसी भी इंसान को मंत्रमुग्ध करते हैं। इस तरह विश्व के लिए दुर्गम एवरेस्ट का शिखर नेपाल के शेरपा तेनसिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी ने सर कर लिया, और इस तरह इंसानियत ने और एक कुदरती विषमता को परास्त कर दिया। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो इसे हो सके उतनी शेयर और लाइक करें। अगली वीडियो में हम आपके लिए लाने वाले हैं इंसानियत की और एक जीत की सच्ची कहानी, द नॉर्थ पोल यानी उत्तर ध्रुव के बारे में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।